ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर एक ऐसा नाम है जिससे बीजेपी के आईटी सेल वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी और भक्त थर थर कांपते हैं। अब इन सभी के लिए एक बर्नौल मूवमेंट आ गया है। दरअसल भारतीय फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा साल 2022 में नोबेल प्राइज जीतने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑल्ट न्यूज के सह संपादक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ये नामांकन नॉर्वे के सांसद और ओस्लो का पीस रिसर्च संस्था PRIO करते हैं। आपको बता दें कि जुबैर को इसी साल जून में साल 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के FIR के अनुसार ये ट्वीट बेहद ही भड़काऊ और दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने वाला था। लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी की दुनिया भर में निंदा हुई। इसके बाद पत्रकारों की रक्षा के लिए बनी एक गैर सरकारी कमेटी ने कहा था कि ये भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक नई गिरावट है, जहां सरकार सांप्रदायिक मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए विरोधी और असुरक्षित माहौल बना रही है। जुबैर एक महीने के बाद तिहाड़ जेल से लौटे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। साल 2022 में नोबेल पुरस्कार की दौड़ में 363 उम्मीदवार हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार कमेटी लोगों का नाम जाहिर नहीं करती है, न ही मीडिया न ही उम्मीदवारों को इसकी जानकारी होती है। लेकिन रॉयटर्स के एक सर्वे के अनुसार कई सारे लोगों को नॉर्वे के सांसद ने चुना है। नोबेल अवार्ड कमेटी की शांति पुरस्कारों के नियमों के अनुसार किसी पुरस्कार के मिलने के 50 साल पूरे होने तक न तो उम्मीदवारों का नाम और न ही नामांकित करने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक होते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के माने तो मिस्टर सिन्हा और जुबैर के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रूस में व्लादिमीर पुतिन के आलोचक और विरोधी नेता एलेक्सी लोवेलनी को भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा ओस्लो में 7 अक्टूबर को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे की जाएगी। लेकिन जब से जुबैर का नाम सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है।